गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं अपन, जिसके लिए आपको दो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, यानी कि दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है, स्टेटमेंट ये दे रखी है 27y³ प्लस 125z³। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3y का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। तो ये ए क्यूब बन गया प्लस बी क्यूब बन गया। अगर आप इस फॉर्मूले की तरफ ध्यान दें तो क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर, मतलब इसका स्क्वेयर 3y का स्क्वेयर, माइनस ए इंटू बी, 3y इंटू क्या हो जाएगा 5z, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वेयर। बी की जगह क्या काम करेगा? 5z काम करेगा। तो ये क्या आ जाएगा? 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वेयर माइनस का 15yz प्लस में 25z स्क्वेयर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि 5 का स्क्वेयर 25 होता है, z का स्क्वेयर z स्क्वेयर आ जाएगा। हाँ जी, सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करते हुए सेकेंड क्वेश्चन ये क्या आएगा? इसको लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, क्योंकि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 343 आएगा। अब इसकी क्या आइडेंटिटी बताई थी? a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर 4m का स्क्वेयर प्लस a इंटू बी 4m इंटू 7n प्लस में बी स्क्वेयर, बी की जगह क्या आएगा 7n का होल स्क्वेयर। ये आ जाएगा 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वेयर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 28mn प्लस में 49n स्क्वेयर, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म का हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको पहले परफेक्ट इस फॉर्म में बनाओ। तो ये क्या लिख सकते हैं भाई? आपको दे क्या रखा है बेटा? आपको दे रखा है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस xyz, ये दे रखा आपको। इसको आप लिख सकते हो 3x का होल क्यूब, इसको 1y का होल क्यूब और 1z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ए की जगह क्या है? 3x इंटू 1y इंटू 1z, यानी कि इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, आपने परफेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए, जिसमें ए की जगह काम करेगा 3x, यहां 1y, यहां पर 1y इंटू 1z, यहां पर आएगा 1z इंटू क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे अपन? ये क्या आ गया हमारे पास भी 3x प्लस 1y प्लस 1z, ये आ जाएगा 9x² प्लस का 1y² प्लस का 1z² मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3xy
इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वन वाई जेड, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस थ्री जेड एक्स, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, हमने फैक्टराइज कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट ओपन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए अपन ने राइट हैंड साइड उठा लिया, तो ये है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, इसका आइडेंटिटी लगाएंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड, इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स हाफ। इसके बाद क्या करना आपने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये टू एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टू वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो गया टू जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई, ये आ जाएगा माइनस का टू वाई जेड, ये आ जाएगा माइनस का टू जेड एक्स। आप देख रहे हैं कि टू कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, कॉमन ले लेंगे टू, बच क्या गया हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टू कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अब पहले बचे हुए को लिखोगे ये क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जैसे कि अभी भी आपको आइडेंटिटी बताई थी कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, यहां पर ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड के क्या होता है इक्वल होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। वैसे आप इसके अंदर एक्स को इन सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर वाई को इन सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जेड को इन सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कुछ कट जाएगा कुछ रह जाएगा, जो रह जाएगा वो यही होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड। तो ये क्वेश्चन आपने फिर कॉपी बुक कर लेने हैं। ओके।